फिर इसमें एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करेंगे एंड इफ द पेन कॉन्टिन्यूज देन गो टू द डॉक्टर. मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए अगर पेन कॉन्टिन्यू रहता है तो. नाउ थर्ड इज इंसेक्ट बाइट. इंसेक्ट बाइट, कोई इंसेक्ट आपको बाइट कर लेता है या काट लेता है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? उस केस में आपको वेट क्लोथ को उस एरिया में अप्लाई करना चाहिए या फिर आइस पैक अप्लाई करना चाहिए. मीन्स यू हैव टू प्रोवाइड कूलनेस टू द एरिया विच हैज बीन बिटन बाय द इंसेक्ट. आपको डैम्पन क्लोथ, आपकी बुक में लिखा है डैम्पन क्लोथ मीन्स वाटर में डिप किया हुआ क्लोथ, आप उस बिटन वाले एरिया पे, इंसेक्ट बाइट वाले एरिया पे रखिए या फिर उसमें आइस पैक अप्लाई कीजिए. देन एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगाइए, फिर से जो आपका इफेक्टेड पार्ट है जहाँ पर इंसेक्ट ने बाइट किया है वहाँ पे एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीसेप्टिक लोशन अप्लाई करना है एंड विजिट द डॉक्टर इफ द स्टिंग इज विजिबल. स्टिंग क्या होता है? जो इंसेक्ट के आगे जो इंसेक्ट बाइट करता है ना तो वहाँ जो निशान पड़ जाता है, तो अगर स्टिंग विजिबल है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए. यू हैव टू गो टू द डॉक्टर. फोर केसेस नोज ब्लीडिंग. नोज ब्लीडिंग के केस में क्या करना चाहिए? अक्सर जब नोज में से ब्लड निकलने लगता है तो हम क्या करते हैं? ब्लड को रोकने की कोशिश करते हैं, हम अपना जो हेड है वो बैकवर्ड पोजीशन में रख लेते हैं ताकि ब्लड जो है वापस जाए. बट वी शुड नॉट डू दिस, हमें ये नहीं करना है. इंस्टेड हमें क्या करना है? वी हैव टू पोजिशन द इंज्योर्ड पर्सन और वी हैव टू मेक द पर्सन सिट with his or head tilted slightly forward means आगे की तरफ थोड़ा सा head को हमें आगे की तरफ bend करना है. तो जिस भी person की nose bleeding हो रही है उसको अपना head backward position में नहीं रखना है, but he has to tilt his head forward, थोड़ा सा आगे ऐसे झुका के forehead को रखना है, पीछे की तरफ lean नहीं होना है. Pinch soft part of nose with index finger and thumb. Pinch करनी है आपको nose, index finger और thumb and this is the index finger, the finger which is besides the thumb. तो ये वाले दो thumb और index finger से आपको nose को pinch करना है. You can see the picture given in your book. It is already given. Picture आप देखिए, वहाँ पर वो जो boy है वो अपनी nose को pinch कर रहा है. Now if the bleeding continues, then you have to seek the अगर ब्लीडिंग फिर भी हो रही है तो आपको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए. यू हैव टू गो टू द डॉक्टर. नाउ नेक्स्ट इज फ्रैक्चर और ब्रोकन बोन. कई बार जब हम खेलते हैं तो गिर जाते हैं, स्टेयर्स से गिर जाते हैं या कुछ काम कर रहे होते हैं तो गिर जाते हैं. बोन में क्या होता है? ब्रेक हो जाती है, बोन में क्रैक आ जाता है और फ्रैक्चर हो जाता है. उस केस में क्या करना चाहिए? सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट मूव द इंज्योर्ड पार्ट. जो भी आपका इफेक्टेड पार्ट है, जहां आपको पेन हो रहा है, जहां लगी है, उसको बिल्कुल मूव नहीं करना है. बिकॉज मूव करेंगे तो जो बोन है वो डिस्प्लेस हो जाएगी. डिस्प्लेस मीन्स अपनी जगह से हिल जाएगी. नेक्स्ट, आइस पैक रैप्ड इन क्लोथ आपको अप्लाई करना है. क्लोथ में आइस पैक, आई बहुत सारी आइस एक क्लोथ में बांध लेनी है और वहां पे उसको अप्लाई करना है जो आपका ब्रोकन पार्ट है. नेक्स्ट इज प्रोवाइड सपोर्ट टू इफेक्टेड लिम यूजिंग अ स्प्लिंट. स्प्लिंट और कुशन का यूज करके, जैसे अगर आपके पैर में लग गई है, पैर मुड़ गया है या फ्रैक्चर हो गया है तो उसके नीचे आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना है, उसको एक स्ट्रेट पोजीशन में रखना है और बार बार मूव नहीं करना है. एंड कंसल्ट द डॉक्टर, और डॉक्टर के पास जाना है अगर बहुत ज्यादा आपको लग रहा है बिल्कुल मूव नहीं हो रहा पार्ट, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, देन यू हैव टू विजिट द डॉक्टर. नाउ इलेक्ट्रिक शॉक, विच इज द लास्ट केस. इलेक्ट्रिक शॉक हो जाए तो क्या करना है? आप देख रहे हैं करंट लग रहा है किसी को, आपने मूवीज में देखा होगा ना, जब भी किसी को करंट लगता है तो क्या होता है? पर्सन ऐसे 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 हिलने लगता है, उसके बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं. बट इन रियल लाइफ पर्सन थोड़ा सा हिलने तो लगता है पर हेयर्स ऐसे स्ट्रेट खड़े नहीं हो जाते. तो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रिक शॉक किसी को लग रहा है, करंट लग गया है, तो मेन स्विच ऑफ करना है.
टॉस करना है. नेक्स्ट, कीप द पर्सन वॉर्म एंड गिव समथिंग वॉर्म टू ड्रिंक. पर्सन को आपको वॉर्म बूथ देनी है, गर्म रखना, उसको ठंडी चीजें नहीं देनी है, कुछ गर्म गर्म पीने को दीजिए. गिव देम समथिंग वॉर्म टू ड्रिंक. कॉल द डॉक्टर, अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो डॉक्टर को कॉल कीजिए और उनको कंसल्ट कीजिए. सो दीज आर सम थिंग्स दैट यू शुड कंसिडर और यू शुड टेक केयर बाय प्राइमरी फर्स्ट एड. और इन दीज केसेस व्हाट फर्स्ट एड यू विल गिव टू द पेशेंट. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज फर्स्ट एड बॉक्स. सबने सुना होगा फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में. क्या होता है फर्स्ट एड बॉक्स? एक बॉक्स होता है जिसमें नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है मेडिकल ट्रीटमेंट की. सी, इट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल थिंग्स रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फर्स्ट एड टू अ पर्सन इन नीड. किसी पर्सन को फर्स्ट एड की जरूरत है तो आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए. कहाँ कहाँ होना चाहिए? स्कूल्स में होना चाहिए, होम में होना चाहिए. आप कहीं जाए कार में आप फर्स्ट एड बॉक्स रख सकते हैं. आप सिनेमा हॉल्स, मॉल्स कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट्स तो कहीं भी हो सकते हैं. तो आप वेट नहीं करेंगे डॉक्टर का. फर्स्ट एड बॉक्स होगा, जैसे घर में किसी को चोट लग गई खेलते खेलते, तो घर में फर्स्ट एड बॉक्स होगा तो आप उसको फर्स्ट एड, किस इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं. नाउ व्हाट आर द थिंग्स विच शुड बी केप्ट इन द फर्स्ट एड. वैसे तो आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, पर मेन मेन थिंग्स जो फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए, कॉटन होनी चाहिए, गॉज होनी चाहिए. गॉज मीन्स पट्टी, आपने देखा होगा ना वाइट कलर का ऐसे रोल होता है पट्टी का, वो होनी चाहिए. एंटीसेप्टिक लोशन होना चाहिए, रबिंग एल्कोहल